ये जो अर्थिंग है आपका, जो दिखाना पड़ेगा, हाँ जो देखने वाले, ये जो अर्थिंग है ये है कौन सा, रोड अर्थिंग, रोड अर्थिंग, रोड अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है और प्लेट अर्थिंग होती है। तो ये रोड अर्थिंग है, ठीक है। अब रोड अर्थिंग का रेजिस्टेंस मापने के लिए आपके पास होना चाहिए अर्थ टेस्ट, ठीक है। हर वैद्युत की राशि का मान मापने के लिए कोई ना कोई मीटर होता है, जैसे वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर, करंट मापने के लिए एमीटर हो गया, पावर मापने के लिए वाट मीटर, ऐसे अर्थ रेजिस्टेंस मापने के लिए अर्थ टेस्ट होगा। तो अर्थ टेस्ट अपने पास दो प्रकार के, एक तो एनालॉग और एक होता है डिजिटल। ये तो है डिजिटल वाला, इसमें तो डायरेक्ट क्या होता है, नंबरों में आ जाएगा आपका स्विच दबाते ही, और इसको आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। ये घुमाकर अपने क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अब इसमें तो देखो चार पॉइंट निकलते हैं, इसमें तीन है, इसमें भी वाट मीटर का जैसे कनेक्शन होता है ना, एक करंट कॉइल का एक प्रेशर कॉइल का कॉमन कर दिया, दो बच गए, एक लाइन में जोड़ दिया, एक न्यूट्रल में जोड़ दिया, उसी प्रकार इसमें भी एक कॉमन होता है और दो अलग अलग होते हैं। जो कॉमन होगा इनमें से वो तो अर्थ से जोड़ना है, दो बच गए। अब ई अर्थिंग से 5 से 10 मीटर दूर, 5 से 10 मीटर, जैसे मान लो दो रोड लगानी है आपको, स्ट्रिप लगानी है, इससे 5 मीटर इस साइड में लगा दो, इससे 5 मीटर दाएं बाएं दोनों साइड में लगा दो, दोनों बीच में 10 मीटर की दूरी हो गई, तो 5 से 10 मीटर की दूरी आपको रखनी। जो साइड में लगाते हैं वो उसको सहायक इलेक्ट्रोड बोलते हैं, आप 2-3 फुट का होगा, इसमें 1-2 फुट उसमें जमीन में गाड़ देना है, ये अर्थिंग किया हुआ है। अब इसमें तो देखो स्पष्ट लिखा होता है, और वैसे 4 टर्मिनल होंगे, उसमें से एक को कॉमन करना आपको, जैसे E1 P1 P2 E2, इनमें से या तो E1 P1 को कॉमन कर दो या E2 P2 को कर दो, कॉमन करके उस वायर को तो जोड़ना है अर्थ में, बाकी बच गए P2 E2 इनको जोड़ना है सहायक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर आप इसका स्विच दबाओगे तब इसमें आपका रेजिस्टेंस दिखा देगा, ठीक है। ये जो 3 टर्मिनल है इस पे आपको ज्यादातर ये देता है एनालॉग वाला, तो इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कौन सा ई है कौन सा पी है कौन सा कॉमन, क्योंकि एक तो कॉमन किया हुआ है इसमें और दो है ओपन। आपको मल्टीमीटर लेना, ठीक है, कंटिन्यूटी पे लगा लेना। कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद आपका एक तो होता है इसमें रेड और एक होता है ब्लैक, लर एक रेड गुलर कार्डर, इन दोनों ब्लैक लगा दिया ना, ब्लैक लगा तो उसको कैसे कम करे, ये भी क्वेश्चन उठता है इसके अंदर। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाना, कंटिन्यूटी टेस्ट करना। अब इसमें रेड वायर पहले पॉइंट में, ब्लैक वायर सेकंड पॉइंट में। अब इसकी सुई की तरफ देखो, अगर ये सुई आगे की तरफ जाती है तो ये एक ई का हो जाएगा, एक पी का हो जाएगा, बच गए वो कॉमन हो गया। अब इसमें तो आगे की तरफ नहीं गई, हिली भी नहीं, फिर मैं रेड को 2 नंबर में लगा देता हूँ, ब्लैक को 3 नंबर में, सुई आगे की तरफ गई, तो सुई आगे की तरफ गई तो ये तो हो गया एक तो पी और एक सी बोल दो या ई बोल दो, ठीक है। अब इसमें आपको पी और ई या पी और सी का पता लगाना है, तो अब इसमें तो सुई गई आगे, तो एक तो हो गया पी और ई, अब ये बच गया कॉमन, अब एक तो लगा दो कॉमन पे, अब इसको पी और सी का पता लग जाएगा, जिसमें कंटिन्यूटी आ रही वो सी और जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही वो पी, ये तो पी हो गया, इसको सी बोल दो या ई बोल दो, ठीक है। तीनों का पता लग गया, इसमें कौन सा पी है कौन सा सी है कौन सा कॉमन है, ठीक है। कैसे करोगे, पहला रेड वायर लगा दिया, दूसरा ब्लैक लगा दिया, सुई आगे की तरफ नहीं गई, फिर 2 नंबर और 3 नंबर में लगाओगे, सुई आगे की तरफ गई, जिसमें सुई आगे की तरफ जाता है वो एक तो पी का होता है एक सी होता है, बचा हुआ टर्मिनल कॉमन हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि कॉमन का तो पता लग ही गया, इसमें पी और सी कौन सा है, तो कॉमन में लगा दो रेड वायर, जिसके साथ कंटिन्यूटी आ रही है वो तो हो गया सी का और बच गया वो पी का। आ गई बात समझ में, ये पी और सी तो अर्थिंग से 5-5 मीटर दूर दो सहायक इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें कनेक्ट कर दो और कॉमन को अर्थिंग में कर दो, हो गई का। अब ये अर्थिंग वाला तो अर्थिंग में लगा दो, इसमें इसमें से ये वायर निकालो, एक रोड पे तो चला जाएगा ये, पाला तो लगा दिया अर्थिंग में, ये अर्थिंग जोड़ दी इससे, ठीक है। अब ये बच गया पी और सी, पी और सी देखो ये 5-5 मीटर सहायक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इन पे कनेक्ट कर लो,
आगे वाले पे पहुंच जाएगी कि देख नहीं पहुंच रही है, इस पे लगा दे, इधर लगा दे, इस पे लगा। मैक्सिमम है 5 मीटर। के बाद में तो दूसरा अर्थिंग ही कर देते हैं। अब लगा के कनेक्शन हो गया अपना। यस सर। अब इसका हैंडल को घुमाना है, ठीक है, हैंडल को घुमाना है। ये 160 आरपीएम पर घूमना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें कहीं से लूज है क्या, लूज नहीं होना चाहिए, इसको टाइट पकड़ ले यहाँ, वो भी टाइट है क्या, टाइट करो उनको, लूज नहीं रखना है, टाइट करो उसको भी टाइट रख। नहीं, तो होता है, कर दिया। अब इसको अपन घुमाएंगे, आराम से घुमाना। इसके अंदर क्या होता है, अंदर गिरारी है, तो वो अपने आप 160 आरपीएम पर, 160 आरपीएम पर घूमेगा तभी ये 500 वोल्टेज जनरेट करेगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 500 वोल्टेज जनरेट करेगा तभी ये रेजिस्टेंस दिखाएगा ना। तो इसमें आराम से घुमाओ, अपने आप ही ले लेगा ये 500 एम्पीयर, ठीक है, और 160 आरपीएम भी अपने आप ही घूम जाएगा ऊपर। तो इसमें एनालॉग जो अर्थ टेस्ट है, इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है 30 ओम इसका, जबकि कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 8 ओम, 8 ओम से कम आना चाहिए, क्योंकि पथरीली जमीन है तो यहाँ का रेजिस्टेंस 8 ओम। और वैसे इसका रेजिस्टेंस जो अपने स्ट्रिप स्ट्रिप की बात करें, तो ये स्ट्रिप हटा देते हैं तो भी इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पे लगाओ थोड़ा, स्ट्रिप से हटा दो, क्योंकि जो चालक होता है ये स्ट्रिप तो एल्यूमिनियम की रही है, कॉपर का, ठीक है। पड़ गया 2-4 ओम का इसमें फर्क, सुनो, ये तो प्रोसेस है आपका एनालॉग की, ठीक है। अब करेंगे आप डिजिटल से, तो डिजिटल एनालॉग में कुछ त्रुटि आ सकती है, बाकी डिजिटल में नहीं आती। अब इसमें कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको फेस्ट फेस्ट वाले 2 पॉइंटों को क्या करना है, कॉमन कर देना है, चाहिए अक्सर भी मिट जाए तो आप फेस्ट फेस्ट को कर लेना कॉमन। ठीक है, बाकी 2 बच गए, P2 R2, उस पे लगा देना साइक इलेक्ट्रोड। ये चीज वाटर प्रूफ है जी? वाटर प्रूफ क्या हुआ, भर गया पानी गिर गया और गया जो सारा ही जल जाएगा पानी की लाइट की दवा। ये ऑफ स्थिति में है, 1 ओम से 100 ओम तक आपको मापना है, तो नीचे की तरफ करना, 100 से ऊपर मापना है तो ऊपर की तरफ, हो सकता है ऊपर भी ज्यादा भी हो रेजिस्टेंस। तो अब इसमें आ गया 0। अब इसका ये टेस्ट स्विच है, पुश बटन स्विच है, इसको अपन दबाएंगे तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा, कितना आ गया, 19.05 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है इसे, ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस 10 मीटर के क्षेत्र का ये रेजिस्टेंस आ गया इसे, ठीक है।
ठीक है, वो रेजिस्टेंस आ। ये तो हो गई आपकी रोड अर्थिंग का। अब एक अपने पास पाइप अर्थिंग है, उसका भी अपन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम यहाँ से हटाओ और ऐसा कैसा ही वहां लेके चलो। जीरो दिखा रहा हूँ, ढंग से देखो। अठारह पॉइंट सात हो हमारा, लमसम बराबरी है दोनों जगह का रेजिस्टेंस। ठीक, ये आ गया 18.7। ठीक है, हो गया क्या? लगाऊं एनालॉग? अब तो कर दिए सेट। सेट नहीं है मानना क्या, अनुसार है क्या? तू तो है क्या सेट? वर्कशॉप में इस स्थिति में नहीं जाना चाहिए, तो है मानना। हाँ,